पाकिस्तान को इससे क्या फायदा है? क्यों पाकिस्तान इस स्टेज के ऊपर, जब पाकिस्तान स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, हमारे पास, हमने 15 साल की दहशतगर्दी की जंग जिसमें 70,000 पाकिस्तानी मारे गए हैं, एक दहशतगर्दी नीचे जा रही है, अमन आ रहा है, स्टेबिलिटी आ रही है, हम क्यों कोई इस तरह का, इससे हमें फायदा क्या है? और मैं ये भी सवाल पूछना चाहता हूं हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से कि अगर आपने माजी के अंदर ही फंसे रहना है और हर बारी किसी किस्म का कोई कश्मीर में सानिया हो आपने पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहरा देना है, तो बजाय ये कि आप कश्मीर का मसला उसकी तरफ कोई डायलॉग शुरू करें, आगे बढ़े, ये तो बार बार पाकिस्तान को एक व्हिपिंग बॉय बनाए रखेंगे आप। मैं आपको वाजे तौर पे कह रहा हूं कि ये नया पाकिस्तान है, ये नई माइंडसेट है, नई सोच है। हम ये समझते हैं कि हमारे इंटरेस्ट में है कि ना हमारी जमीन से कोई जाके बाहर दहशतगर्दी करे और ना बाहर से आगे कोई पाकिस्तान में दहशतगर्दी करे, हम स्टेबिलिटी चाहते हैं। तो मैं आज हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को ऑफर कर रहा हूं, किसी किस्म की आप तहकीकात करवाना चाहते हैं इस इंसिडेंट में कि कोई पाकिस्तानी इसमें मुलव्वस था, हम तैयार हैं। अगर आपके पास कोई एक्शनेबल इंटेलिजेंस है कि पाकिस्तानी इन्वॉल्व है, वो हमें दे, मैं आपको गारंटी करता हूं कि हम एक्शन लेंगे। और एक्शन इसलिए नहीं लेंगे कि हमें किसी के प्रेशर है, एक्शन इसलिए लेंगे कि ये पाकिस्तान से दुश्मनी कर रहे हैं। अगर कोई पाकिस्तान की जमीन इस्तेमाल कर रहा है, हमारे से ये दुश्मनी है, ये हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ है। और दूसरी चीज, जब भी हिंदुस्तान से हम डायलॉग की बात करते हैं, हिंदुस्तान की प्री कंडीशन होती है कि पहले दहशतगर्दी की बात की जाए। मैं आपको ये कहता हूं कि हम दहशतगर्दी की भी बात करने के लिए तैयार है। दहशतगर्दी एक सारे खत्ते का इशू है और हम बिल्कुल तैयार हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस खत्ते में दहशतगर्दी खत्म हो। पाकिस्तान वो मुल्क है जिसको सबसे ज्यादा दहशतगर्दी से नुकसान हुआ है, 70,000 पाकिस्तानी मारे गए दहशतगर्दी में, हमारा 100 अरब डॉलर से ज्यादा नुकसान हुआ है दहशतगर्दी से। लिहाजा हम तैयार हैं आपसे बात करने के।